आशीर्वाद देता हूँ कि और भी बड़े से कुर्सी पर बैठे रहे और अच्छी सर चलते रहे। क्रांति जो श्रीनिवास रेड्डी जी के बेटे हैं और हमारे चंदन और चंदन की माता जी है, और इन सभी लोगों ने आर्थिक रूप से मैं जब भी कहा वो लोग अपनी सहायता के रूप में आगे बढ़े। अब वस्त्र रूप में मैं कहूं या ना कहूं, वाकसार की टीम हर बार भेजती है। मैंने इस बार सोचा था कि वाकसार को पूछू ही नहीं, लेकिन वाकसार तो अपने कर्तव्य करने में रहते हैं, क्योंकि वो भी आश्रम मान रहे हैं। अब वो लोग मेरे से देने से उनका आश्रम देखेंगे या मेरे तरफ देखेंगे, मैं इस चीज में मैं समझा कि वाकसार को पूछना नहीं चाहिए। लेकिन कर्तव्य निष्ठ होने के कारण उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और गुरु जी आपका वैन भेज दो, मैं पूरा किराना रेडी है, मैं भेज देता हूँ। ये बात होने की वो कर्तव्य निष्ठ है, अपनी कर्तव्यता कर रहे हैं। इस प्रकार कर्तव्य निष्ठ साधक बहुत सारे लोग हैं जो हाँ या ना में काम करते हैं। हमारे देशमुख जी हैं, परोक्ष हो प्रत्यक्ष हो, उनके सोलापुर के उनके जो मित्र हैं उन तरीके से त्रिपाठी जी, उन सभी लोगों ने आश्रम के लिए सहायता की। वो लोग अपना कर्तव्य बनकर कहते हैं, ये नहीं कि मुझे देना ही है, ये नहीं। मैं उनको एक बार सिर्फ आधे उंगली पकड़ के चलाया और बाद में उंगली छोड़ दिया, वो अब अपने आप चलने लगे हैं। वो मुझे कहना नहीं पड़ता कि आपको किस तरह चलना है, और वो लोग अपने कर्तव्य के साथ। मैं कहता हूं कि वो जैसा कर्तव्य करते हैं तो गुरु जी का कर्तव्य बनता है कि उनके जीवन के हर संकट में वो खड़े रहे, ये गुरु जी का कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। विद्याल के लोग हैं, हमारा विशाल अरोड़ा है, छोटी सी नौकरी करता है फिर भी गुरु के प्रति समर्पित है, उसने भी गुरु कार्य किया है। इस प्रकार मैं नाम लूं ना लूं बहुत सारे लोग हैं। हमारी भवानी एमआरओ है, बहुत कम दिनों से यहां से मिली है मेरे से, लेकिन मैं जब भी पुकारूं उसको गालियां भी देता हूं, कभी कभी क्रोध भी करता हूं उसके ऊपर, लेकिन उसे सेवा कार्य करने में किसी प्रकार की कमी नहीं करती। उसे आशीर्वाद देता हूं कि उसके सुखी जीवन मिले और उसके उसकी इच्छाएं पूर्ण हों। इसी तरह मैं कितने भी नाम लूं, कितने भी जिनका नाम न लिया हो लिया हो, मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग जिस निष्ठा से काम कर रहे हैं, वो निष्ठा को मैंने पहली बार आपसे पूछा होगा लेकिन बाद में मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको गुरु जी बुद्धि देते हैं और आप काम करते हैं। आप सभी को मैं आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे ही कार्य करते रहे, ऐसा कार्य करें जिसके लिए हमें एक ऐसा भव्य मंदिर निर्माण करना है जो आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वामी निखिलेश्वरानंद के साधना कार्यक्रम या साधना चेतना वाला एक स्थल हो, यहां से साधना करने के लिए एक जगह हो। आज मुझे ये भी गर्व है कि चाहे बहुत सारे लोग सिद्धाश्रम साधक परिवार की संस्थाएं बहुत हुई, मैंने कभी नहीं सोचा था इस एक निखिल चेतना केंद्र को चलाता हूं तो वो मेरा महान भाग्य है, यही चलकर चल रहा था, मैंने कभी आशाएं भी नहीं की। लेकिन आज ये हुआ कि पूरे भारत में अगर मैं देखते देखते रहा, निखिल चेतना केंद्र की 21 शाखाएं हुई, 21 शाखाएं, जबकि मेरा स्वार्थ उनके साथ है ना, और मेरा स्वार्थ उनसे है, उनका स्वार्थ मेरे से है। निस्वार्थ रूप से इन शाखाओं का हो रहा है और वो लोग कार्यरत हैं, साधनारत हैं, गुरु पूजन करते हैं और आगे चलते हैं। इन सभी को मन से आशीर्वाद देता हूं कि ये कार्य करें, ये कार्य में सक्षम हो, आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का नाम आगे लेते हुए आगे चले और आने वाले पीढ़ियों के लिए साधनात्मक मार्ग का सुगम करें, क्योंकि हम जंगलों में हो या किसी परंपरा के होकर जानते नहीं, तो गृहस्थों के लिए साधना करने के लिए जगह हो और उस जगह को हम निखिल चेतना केंद्र के नाम से बना रहे हैं। उन सभी को आशीर्वाद है जिन्होंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की है। आगे मैंने जैसा आपको बताया है, हमारे आश्रम के लोग आश्रमवासी चाहे श्रीरंग हो, बंटी हो, दिलीप हो, किशन हो, निस्वार्थ रूप से साधना अब सेवा करते हैं, चाहे नागिल गेड़ाम हो, अनिल साहू हो, ये सब मैं जितने भी नाम लूं आपको मैं ये भी पुकारूं, कभी कभी क्रोधित हो जाता हूं, गुस्सा करता हूं, प्रेम है, सभी लोग हैं, गुस्सा तो करता ही हूं उनके ऊपर, लेकिन वो सेवा के मार्ग में गुरु पूर्णिमा आई तो अपने दिल से सेवा करते हुए कार्य करते हैं। आज आप सब लोग भोजन कर रहे हैं या रहने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, तो मैं तो चटाइयां नहीं डालता, यही सब लोग डालते हैं, ये सेवा करते हैं। मैं उन सभी को भी मन से आशीर्वाद देता हूं कि कितने ही आने वाले कई जन्मों तक वे गुरु सेवा में रत रहे और उनका सुखी जीवन हो, उनके किसी प्रकार का उनके ऊपर भार ना हो। भार क्यों है कि एक जीवन चलाने के लिए ऋणी होना बहुत जरूरी है, एक घर चलाना, स्कूल चलाना या बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, पत्नी को लेके चलना, इन सभी के लिए तो आदमी को घर एक बसने के लिए भी तो आजकल घर का लोन ले रहे हैं, ये कार्य हो रहा है, हम ये कार्य चलते हुए चल रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारे आश्रम के लोगों में कोई ऋणी ना हो, तो सेवा करते रहे आनंद के साथ, ये उनको ऋण करने का कोई जरूरत नहीं है, ना पैसे वाला खाने का कोई जरूरत नहीं। हमारे जगत्याल के गंगाधर जो स्टेज से जाते हैं, निस्वार्थ रूप से आते हैं, हमारे महिपाल जो माइक लेके आए हैं, जो यहाँ का लाइटिंग और यहाँ का
ये जो माइक सिस्टम है वो सब जगत्याल से लेकर आते हैं, वो भी सराहनीय है। इन सभी को भी मैं मनपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ। इसके बाद आती है पालकियों, जो पालकियां लेकर आ रहे हैं। मुझे जब ये पता चला कि यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट में कहा कि गुरु जी आपका गुरु पूर्णिमा है, आप उसके बारे में एप्लीकेशन दो। मैंने कहा एप्लीकेशन किस लिए भाई, हम यहाँ गुरु कंदपुर से गुरु पूर्णिमा यहाँ तो खुली माइंड तो आते हैं हमारा। जब शिवा ने जाकर कहा गुरु जी अपना रिपोर्ट इंटेलिजेंस तक है, अपना जीवन अपना रिपोर्ट भारत के उस बड़े इंटेलिजेंस तक। बोला ऐसा क्यों? बोले कि तुम्हारी पालकियां कहां, नागपुर से कहीं, भूम से कहीं, गुजरात से आ रही है। लोग पीले कपड़े डालकर झंडे लेकर साइकिलों पे आ रहे हैं, ये लगता है ये कौन से मत के है, कौन से सिद्धांत के, इनको कुछ ना हो। मुझे गर्व हुआ, मुझे कहा कि आज स्वामी कृष्ण जी का नाम वहां तक, जबकि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं लिया, कहीं कोई डिपार्टमेंट को हम आज तक नहीं गए कि हमारी प्रार्थना करने के लिए। लेकिन हमारे इस कार्य से, जब आप पीली चादर ओढ़कर साइकिल पर चलते हुए या व्हीकल में गुरुजी का पोस्टर लगाकर निकलते हैं, तो सारे लोगों की दृष्टि बढ़ती है। इससे बड़ा प्रचार नहीं है, इससे बड़ा श्रेष्ठ गुरु कार्य नहीं है। और उन सभी को जो बात की जाती है उनको मैं पूर्व आशीर्वाद देता हूँ कि उनके पाँव में गुरु जी उतना ही शक्ति दे, उतना ही सामर्थ्य दे कि वहाँ सारे ब्रह्मांड को घूम सके, सारे भारत को घूम सके स्वामी निखेश्वर जी का झंडा लेकर, और कहें कि हमने ये कार्य किया। जब पालकी लेकर आते हैं तो बीच बीच में मेरे ही साधक, मैं बिना कहे वो लोग कहते हैं कि गुरु जी पालकी यात्रा आ रही थी, हमने आज निर्मल में भोजन दिया है, कामारेड्डी में भोजन दिया है, यहाँ दिया है। तो मैं उनको कहता नहीं कि तुम भोजन उनको परसों उनको देखो, लेकिन वो मन से कार्य करते हैं। ऐसे साधकों के लिए भी मेरा मन से आशीर्वाद है। अलवाल के सीनू है या और वहाँ के अलवाल के लोग हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कार्य करते हुए पालकी यात्रियों को भोजन दिया। जो प्रवीण है भीमगल के, विशाल रेड्डी है निर्मल के, आदिलाबाद के, वो लोग आते आते कहते हैं कि गुरु जी हम अगली बार और अच्छा करेंगे। और जब पालकी यात्रा वाले लोग कहते हैं कि गुरु जी हमें रिस्पांस ऐसा मिलता है जैसे हमें घर वाले कोई बुला रहे हैं, जो घर वाले नहीं वो स्वामी निखेश्वर जी जिनके मन में घुस जाते हैं और पालकी यात्राओं के लिए यात्रियों के लिए अपना कार्य करते हैं। यहाँ आने के बाद दत्तात्रेय रंगाचार्य आदि लोग यहाँ तुम्हारे कंदपुर में जो भोजन निवास करवाते हैं उन लोगों की भी सेवा सराहनीय है। कृष्ण मोहन जो आपको खाने के बाद बैठे थे उनकी सेवा भी सराहनीय है। मैं बात बात में सभी की आखिर मानकर न मानकर भी काम नाम लेता हूँ या नाम नहीं लेता हूँ, फिर भी उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि जिन्होंने ये सारा कार्य किया, इन सारे कार्यों को करते हुए सेवा के मार्ग में रहे। हम सेवा आप की सेवा के कारण ही आज ये पंडाल भरा हुआ नजर आ रहा है, सब पीली चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं। स्वामी निखिलेश्वर जी जहाँ भी बैठे वो आप सभी को देख रहे हैं और इस कार्य को भी देख रहे हैं कि आगे आज ये 5,000 है तो कल 10,000 होंगे, कल 10,000 के कभी 1,00,000 भी हो जाएंगे और ये सारा ये सारे लोग भारत में फैल जाएंगे। मेरी ये निष्ठा है कि आपको एक श्रेष्ठता के पद पर ले जाऊं, श्रेष्ठता के आगे मार्ग पर ले जाऊं, और श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाने के लिए कार्य तो करना पड़ता है। और आप सभी की श्रेष्ठता को आगे ले जाकर गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु जी ने जहां जहां अब लगता है कि आप सक्षम हो गए हैं, आप मेरे साथ चलने की क्षमता रखते हैं, आपके पांव में बल है, तो यहां आज पूरी माइंड तक आ पाए हैं, तो हम सब लोग मिलकर हिमालय जाएंगे जहां गुरु जी साधना करते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, हर गुरु पूर्णिमा तो यहां ही होगी, हम यहीं मिलेंगे, लेकिन अगली बार की गुरु जन्म दिवस को मैं चाहता हूं कि मैंने जो आज दिव्यानंद या दिव्याश्रम का नाम लिया है जो यमुनोत्री के आगे है, वहां हम गुरु जन्म दिवस मनाएंगे, जो साधना के स्थल पर बहुत श्रेष्ठ बात है जो वासुदेव के आगे है वहां करवाएंगे। मैं ये बात आज ही क्यों अनाउंस कर रहा हूं, आज ही आपको क्यों बोल रहा हूं, इसका कारण भी बोलता हूं। मुझे पता है आपका एक एक दिन कैसा गुजरता है, पैसों के लिए हो, किसी क्षमता के लिए हो, किसी के लिए, लेकिन आपकी आपको निष्ठा है तो आज से पैसा जमा करना शुरू कर देंगे कि हमें हिमालय जाना है, दिव्यानंद आश्रम जाना है, आज से छुट्टी का इंतजाम करेंगे कि वो गुरु जन्म दिवस को हमें हिमालय में जाना है जहां साधु सन्यासी बैठे हुए हैं। अगर अगला गुरु जन्म दिवस हो और हमें मेरी इच्छा हो तो उन दिव्यानंद उन गुरु जी के मिले हुए साधकों को बताऊंगा जो शून्य में आसन डालते हैं, जो शून्य से कुछ मंगवा सकते हैं, जो शून्य में डालकर गुरु जी के बारे में बता सकते हैं, ऐसे आश्रम को हम दिव्यानंद के आश्रम को अगला गुरु जन्म दिवस हम हिमालयों के पर्वतों में यमुनोत्री के आगे बनाएंगे, ये इच्छा रखता हूँ। आपके चरणों में आपके पाँव में शक्ति हो और आप आने की प्रक्रिया करें, बाकी का काम मैं संभालता हूँ। है मैं भी मेरे भाई को कष्ट देता हूँ, शिवान्ना को तुम्हारे कष्ट देता हूँ, बहुत तकलीफ देता हूँ उनको, बहुत सताता भी हूँ, और वो कार्य आगे भी तो उनको ही करना, मैं तो नाम अनाउंस कर देकर यहाँ छुप बैठ गया, लेकिन जाकर देखना इंतजाम करना तो उन लोगों का काम है। भाई को जितना भी कष्ट होता है वो देखता है, सारे वो भी नौकरी करता है सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी
उसके जीवन से वो आगे चलता है। जब दत्तू भैया आगे चले तो पीछे शिवाना चला ही, शिवाना चला तो यहाँ के हद तक तो आश्रम वासी सब है, कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, लेकिन जब बाहर जाने की कार्यकलाप होता है तो इन दोनों के ऊपर ज्यादा भार पड़ता है कि वो आगे जाकर कुछ कार्य करें। और आप सभी का आने का, रहने का, करने का सब कुछ देखने की क्रिया है, मैं तो क्या अनाउंस कर दिया बैठ गया। इसके साथ साथ आपको इस बार विशेष बात ये बतलाना चाहता हूँ कि गुजरात के साधकों ने इस बार मेरा जन्मदिवस, जबकि गुरु जन्म दिवस हिमालय में होगा, तो मेरा जन्मदिवस गिरनार पर्वत में शिवरात्रि के दिन होने के कारण, गिरनार पर्वत के होने वाला, और गिरनार पर्वत की बात ही क्या कहूं, जहां दत्तात्रेय भगवान का निवास है, जहां आज भी उन पहाड़ों में नागा साधु है शिवरात्रि के दिन बाहर आकर कुंड में जाते हैं, ऐसी ब्रिजे वहां बाहर के अमेरिकन यूरोपियन लोग भी केवल नागा साधुओं को देखने के लिए शिवरात्रि के दिन वहां आते हैं। और पहले हमारे निमेश जी का कहना था, गुरु जी इस बार आप अगर इन लोगों को लेके आ रहे हो तो उनको पहले इन्फॉर्म कर दो, वो लोग दो दिन पहले ही आ जाए, नहीं तो इतना भीड़, इतनी रश रहती है कि वो हमारे जहां फंक्शन हॉल है वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा, 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वो दो दिन पहले ही आते हैं तो जहां फंक्शन हॉल है गिरनार का, मैंने आपके जन्मदिवस के लिए लिया है वहां, वो दो दिन पहले आए तो वहां पहुंच सकते हैं, उसने पहले ही बता दिया। आप भी, मैं जो आने वाले गिरनार पर्वत को, दत्तात्रेय भगवान को साधना स्थली है, अगर आप आकर देखना चाहते हैं तो आप इसका इंतजाम कर ले कि दो दिन पहले आना है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है गिरनार पर्वत के पास शिवरात्रि के समय, शिवरात्रि के समय उन नागा साधुओं को जो एकदम कुंड के बाहर आते हैं सबको दिखते हैं, और शिवरात्रि के दिन फिर कुंड में चले, फिर एक नागा साधु भी नहीं दिखता। यहाँ का चमत्कार कहो या दत्तात्रेय भगवान का एक महिमा कहो, वहां आज भी चलते आ रही है, बहुत साल हो गए हैं। और मेरा जन्मदिवस शिवरात्रि के दिन आने के कारण वहां यह जन्मदिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं। मैं अगले कुछ भी कार्यक्रम हो, मैं यही चाहता हूँ एक गुरु पूर्णिमा और दशमा विद्याओं की साधना, यज्ञ साधना यहाँ होगी, और बाद में मैं आप सभी को हिमालय लेकर जाऊंगा, मैं भी बैठूंगा और आपको भी लेकर जाऊंगा, और उस दिव्यता को बताऊंगा जो परम पुण्य सतगुरुदेव जी ने हिमालय के योगियों के गुप्त सिद्धियां में लिखा है, कि ऐसे ऐसे साधु, ऐसे ऐसे सन्यासी आज भी विराजमान हिमालय में विराजमान है। हम जाएंगे, हम जरूर प्रयत्न करेंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे, एक कदम आगे बढ़ाकर आगे चलेंगे। आपको इतनी बात देता हूं, हमारे ऊपर स्वामी निखिलेश्वर जी की कृपा है और उनके कहे मार्ग पर हम आगे चलेंगे। अब ये मुझे पहले ही क्यों बताना पड़ रहा है, वाक सर कहते हैं कि गुरु जी मेरे टीम को आने के लिए मेरा लीव लेना बहुत जरूरी है, मैं काम करता हूं, मैं उद्योग करता हूं, और जब तक वाक सर लीव लेने देते वो टीम नहीं आई पीछे, टीम को तो रहेगा कि चलो सर जाएंगे, चलो सर जाएंगे, सर बोलते हैं मेरे को हेडमास्टर छुट्टी नहीं दे रहा है। अब उस हेडमास्टर की छुट्टी के कारण ये सब लोग रुक गए हैं, तो वे लोग हिमालय देखने से वंचित रहेंगे, इसलिए आज से ही उनको बोल दे रहा हूं उस छुट्टी का निर्माण कर लेना और उन सभी को लेकर जाना, उनके पांव में वो श्रेष्ठता देना। आप आने से पहले ये बात कहता हूं, ना गुजरात के साधक थकेंगे और सब थकने भी नहीं देता। आप 100 आओ 150 आओ 200 आओ 300 मैं आज भी कह रहा हूं, मैं उनके पीछे खड़ा हूं, वो तो देंगे ही नहीं खाना, अगर नहीं देंगे तो मैं उनके पीछे खड़ा हूं, आपका सारा इंतजाम मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी का, उस